हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेल्फी सफर विद हंगर में। और आज कुछ खास होगा लखनऊ की गलियों से। तो फिलहाल दिल्ली से मेरा सफ़र शुरू हो चुका है, मैं अपनी कैब में बैठ चुका हूँ और आगे की अपडेट के लिए बस देखते रहे इस वीडियो को। और जैसा कि मैंने आपको बताया, और अब हम देखते हैं कितनी देर में लखनऊ लैंड कर जाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद में। तो हम लैंड कर चुके हैं, शाम को मिलते हैं आपसे लखनऊ के साथ, बने रहिए। हंगर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट मोहित सिंह आपके साथ। तो अभी चलते चलते ट्रस्टिंग नाम है, टी स्टॉल का नाम है नमो टी स्टॉल, और हमारे साथ है। कितना समय हो गया यहाँ पर तुम्हें ये स्टॉल चलाते हुए? और ये स्टॉल खोलने के लिए मतलब क्यों? अच्छा भाई, अभिषेक सिंह की अपनी मर्जी थी कि बीकॉम करने के बाद टी स्टॉल खोलना है। वो नरेंद्र मोदी के नाम पे, नरेंद्र मोदी देश के लिए बढ़िया कर रहे हैं। अभिषेक इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, है ना, तुमसे पास आके बात कर। तुम्हें बीकॉम करने के बाद भी टी स्टॉल खोलने की ज़रूरत पड़ी, और इसके पीछे वजह बताओ ना। या तो रोजगार नहीं था बीकॉम करने के बाद, तुम्हें टी स्टॉल खोलना पड़ा। अच्छा, आपको कोई नौकरी नहीं मिल रहा था, तो हमने अपने घर के लिए 1500 एक दिन का, तो लगभग महीने का तुम कमा लेते होगे आराम से, बढ़िया। हाँ। अच्छा, आपके मम्मी पापा भी हैं, तो हम आपके मम्मी पापा से भी बात करेंगे यहाँ पर। फिलहाल हमको यही कर दी, अभी ये नमो टी स्टॉल से शुरुआत करिए, आगे प्लान है, आगे लगे हैं इसके आगे इनका आगे। लेकिन इन्होंने एक वजह और बताई कि हम भी हैं लेकिन कहीं नौकरी नहीं है, एक लड़का किसी तरह उसमें है। पीने के बाद आप पैसे देते हैं बेटे को या फ्री में खाते में लिख देते हैं? देते हैं। टी स्टॉल सुनकर कितने लोग मतलब आकर्षित होते हैं इस नाम से? तो ये थे अभिषेक हमारे साथ, लखनऊ की मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के बाहर इनकी दुकान। अगर आप लखनऊ आए तो ये नमो टी स्टॉल की चाय ज़रूर पीजिए। बीकॉम करा है लेकिन मोदी जी इतने छाए हुए हैं देश के अंदर कि नमो टी स्टॉल खोल रखा है लड़के ने, और बहुत बढ़िया पैसे कमा रहे हैं, माता पिता साथ।